सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हरिद्वार आ रहे हैं, हमारे पूरा टीम हरिद्वार आ रहे हैं। दोस्तों फाइनली डीजे सार्जन आ रहे हैं हरिद्वार, और दोस्तों वो क्या क्या ला रहे हैं सामान आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये इसमें आप खुद सार्जन भैया की वीडियोस में देखेंगे, सार्जन भैया के मुंह से सुनेंगे कि कितना सामान आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस वालों ने एक मीटिंग रखी और उसमें बताया कि इतना इतना सामान लगेगा, लेकिन दोस्तों क्या सार्जन भैया छोटा सा ही सेटअप लेकर आने वाले हैं या बड़ा सेटअप लेने वाले हैं? दोस्तों आपको हम बता दें कि वो लाएंगे बड़ा ही सेट, लेकिन जिस तरह से वहां पर डीजे कशाना और अमर और डीजे धारकान जितने भी बड़े डीजे वाले हैं, जिस हिसाब से वहां पर डीजे सेटअप लगाएंगे उसी हिसाब से सार्जन भैया भी लगाएंगे। जितना बड़ा वो लगाएंगे उतना ही बड़ा वो लगाएंगे। सामान में कोई कमी नहीं रहेगी, ना ही सामान कम लाएंगे, लाएंगे पूरा ही सामान। लेकिन बस गवर्नमेंट जिससे कि रूल निकाला है कि 12 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए और ऊंचाई 16 फीट होनी चाहिए, क्या उस हिसाब से लगेगा या बड़ा सेटअप लगेगा ये देखते हैं हम हरिद्वार में फिलहाल किस हिसाब से लगता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस हिसाब से अदर डीजे वाले लगाएंगे उसी हिसाब से सार्जन भैया भी डीजे सेटअप लगाने वाले हैं। अब दोस्तों और एक चीज आपको हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर डीजे सार्जन भैया 14 तारीख को निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, 14 तारीख को निकल जाएंगे क्योंकि वहां से लगभग उनका पड़ जाता है 1500-1600 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वो अप्रोक्स निकल जाएंगे 14 तारीख को, वो निकल जाएंगे, उन्होंने लाइव में आकर खुद बोला है। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि लाइव में उन्होंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हरिद्वार आ रहे हैं, हमारे पूरा टीम हरिद्वार आ रहे हैं। और बाकी और एक बात, जिस हिसाब से प्रशासन तरफ से जो भी गाइडलाइंस आए हैं, तो हमारे साथ साथ जो हमारे टीम जो हमें बुकिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से ही हम लोग को चलना पड़ेगा, और साथ में जो भी प्रशासन का गाइडलाइंस है उनको भी मानते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अनजान है पहली बात। तो वहाँ जाने के बाद जैसे सब डीजे वाले जैसे चलाएंगे उसके हिसाब से हम लोग को भी चलाना होगा। हम लोग का ट्रक पे ही लगेगा, जिसमें अपना एक्सपीरियंस है उसी तरीक़े से लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। क्योंकि 5 दिन जैसा बाहर, मतलब एक वीक जो गाड़ी में लोडिंग होके रहेगा एक वीक तक, तो जो हम लोग का एक्सपीरियंस है हम लोग उसी के आधार पर जाएंगे। ट्रोला पे जैसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी जैसे है, ट्रोला पे लगाओ, ये पे लगाओ, भैया सब तो ट्रोला पे लगा ही रहे, अधिकतर तो ट्रोला पे लगा ही रहे, तो इसका क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, पब्लिक को थोड़ा सा ये भी अंतर हो सके समझ में आएगा। और हम लोग भी जब ट्रोला को देखेंगे इस बार, तो हो सके अगले बार हम लोग भी ट्रोला में जाएंगे अगर मौका मिला तो। बाकी ये कन्फर्म है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग का टारगेट है कि करीबन 14 तारीख को निकल जाएंगे, 14 तारीख को हम लोग का टारगेट है निकल जाएंगे। देखते हैं कितने दिन लगता है जाने में, क्योंकि उतना दूर है, फिर रास्ता में खाना पीना, मतलब उतना लड़का का, जैसे आप लोग ये वाला में देखे थे, आजमगढ़ वाला में देखे थे, रास्ता में रुकना खाना, सेम उसी हिसाब से हम लोग को जाना पड़ेगा। बाकी वहाँ पर 600 था, 650-700 हो ही गया था, तो उसका डबल है ये, मतलब समझ सकते हैं कितना दूरी है। ऊपर से बरसात का मौसम, जो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हम लोग के लिए होगा।